हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें से अक्सर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन एराइज करता ही है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना है। वो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एज ए डेफिनेशन पूछेगा कि क्या होता है, और आप एक कोई एग्जाम्पल उसे बता देना। वो बहुत कम ही रेयर केस में ऐसा होता है कि वो लोग बोलेंगे कि अच्छा सिंटेक्स लिख कर दिखाओ, या फिर ऐसा कुछ मतलब कि उस पर कुछ भी एक प्रोग्राम कर, ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है। लेकिन हाँ, जब आप लाइव टास्क करोगे तो उस समय अक्सर प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ होता है ये जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं एक्चुअली। ओके, तो इसको अच्छे से समझना और ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर लेवल जब जाओगे तो बस नॉर्मल पूछा जाएगा कि आपको जानकारी है कि नहीं इसका, बस दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है। क्योंकि अपने मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाते हैं वो लोग। अब इन फ्यूचर अगर पूछ दे कोई तो फिर अलग बात है, लेकिन नॉर्मली वो लोग पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा लेवल अप वाला टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं इस सीरीज़ में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वॉच कीजिए। और ये सीरीज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कोई कि जो सिर्फ इंग्लिश में वॉच करना चाहता है, उसे आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप बैनर देख रहे होंगे कि बैनर हमने नया लगाया है कुछ, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको बैनर कैसा लगा। एक नया बैनर हमने तैयार किया है अपने चैनल के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं सबसे, और बेसिक ही समझेंगे। बहुत ज़्यादा डीप जाने का एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लाइव टास्क करोगे तो उस समय आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। नहीं तो बहुत अभी डीप जाओगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा, और कन्फ्यूज़ हमें होना ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि हम खुद को रेडी कर लें एज ए फ्रेशर लेबर, हम इंटरव्यू क्रैक कर सके एज ए फ्रेशर लेबर। ओके, दैट्स ऑल, ये हमारा टारगेट है। तो आप टारगेट पर फोकस होना चाहिए हमारा, और कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। जैसे कि आप समझ लो, अगर आप कुछ भी बनाते हो, कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो सिंपली, जैसे मार्केट में ही देख लो, आप प्रोडक्ट बाई करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई मशीन खरीदा, आपने उसे बाई किया। ठीक है, आप उसका प्रोसेस जान गए। आपने एक ब्लूटूथ मशीन खरीदा, जो ब्लूटूथ आता है, आपका स्पीकर आता है, आपने खरीदा, आप प्रोसेस जान गए कि हाँ इससे पॉज होगा, इससे स्टार्ट होगा, इससे ब्लूटूथ कनेक्शन होगा, इससे ऑन होगा, इससे ऑफ होगा, यहाँ चार्ज होगा। लेकिन आपको अंदर के प्रोसेस के बारे में नहीं पता कि ये किस तरह से अंदर में चार्ज हो रहा है, किस तरह से इसका वायरिंग हुआ है, किस तरह से ये नेक्स्ट बटन काम करता है, किस तरह से प्रीवियस बटन काम करता है, किस तरह से वॉल्यूम काम करता है, ये सब आपको नहीं पता, क्योंकि आप जानना भी नहीं चाहते, आपको उससे मतलब भी नहीं है। तो वही होता है कि अगर आप यूज़र हो उसके, तो आप बस उन्हीं चीज़ों को जानना चाहते हो जो आपके लिए एसेंशियल है। जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं उन्हें हाइड कर दिया जाता है। तो उसी तरह जब अब्स्ट्रैक्शन में भी सिंटेक्स लिखा जाता है, तो क्या होता है कि यूज़र को जितना इन्फॉर्मेशन देना है बस हम उतना इन्फॉर्मेशन देते हैं, बैकएंड में ये किस तरह से वर्क कर रहा है ये हम यूज़र को नहीं दिखाते हैं। यही होता है अब्स्ट्रैक्ट का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट रियल लाइफ में क्या होता है, किस तरह से होता है। जैसे कि मान लो कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, यूज़र को दिया, तो आप फाइल सेंड कर रहे हो, तो वो आपको पता है कि आपने किस तरह से फाइल सेंड किया है, लेकिन यूज़र को बस पता है कि वो बटन पर क्लिक करेगा और फाइल सेंड हो जाएगा, दैट्स ऑल। वो जानता है कि हाँ भाई जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे फाइल को, क्लिक करेंगे, सेंड हो जाएगा। लेकिन बैकएंड में आपने किया है, तो वो आपको पता है कि किस तरह से आपने प्रोसेस किया है कि हाँ यहाँ से फाइल दूसरे लोकेशन पर, दूसरे सर्वर पर किस तरह से सेंड हो रहा है। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट का काम। अब समझते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव विद आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो दो टॉपिक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, दोनों के बारे में हम जानेंगे। और इन दोनों से क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसे हम अचीव कर पाते हैं। तो दोनों टॉपिक हम देखने वाले हैं वन बाई वन करके अपने इस सीरीज में। ओके, द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज फॉर द क्लासेज एंड मेथड। यहाँ पर देखो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है, तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्रिएट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। और ये क्या होता है कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज फॉर द क्लासेज एंड मेथड। ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर भी है, और हम क्लासेज और मेथड के लिए इससे हम यूज कर सकते हैं। ओके, एंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए रिस्ट्रिक्टेड क्लास, ओके, दैट कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, टू एक्सेस इट, इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द अनदर क्लास। ओके, द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये सब बेसिक्स पॉइंट्स है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड क्लास है, और इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब जो अनदर ऑब्जेक्ट हम बेसिकली किस लिए क्रिएट करते थे, तो एक्सेस करने के लिए या फिर इनहेरिट करने के लिए डेटा को अनदर क्लास को। ओके, तो यहाँ पर हम वो वर्क नहीं कर सकते हैं।
ओके, इसका ऑब्जेक्ट हम अलग से क्रिएट नहीं कर सकते। चलिए यहां तक तो ये हुआ। अब हम इसे सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं कि सिंटैक्स में इसका क्या होता है। ओके, तो ये रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और देखो यहां पर मैंने एक क्लास बनाया, देखिए क्लास का नेम मेरा क्या है, लैंग्वेज है, और इसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहां लिख दिया। ओके, और इसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले है, एक हमने मेथड पास किया डिस्प्ले मेथड यहाँ पर, ठीक है, और वो वॉइड टाइप है, पब्लिक वॉइड टाइप। ओके, और इसमें मैंने एक डेटा पास किया जो मुझे प्रिंट कराना है, जैसे दिस इज जावा प्रोग्रामिंग हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक हमारा ये मेन क्लास है, ये हमारा मेन क्लास हो गया, जैसे कि हमारा जो जावा रूल का नेम है वही हमारा मेन क्लास हो गया। और एक्सटेंड करते हैं हम किसको, लैंग्वेज को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे डेटा निकालना है, यूज़र को दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमने क्या किया है, हमने कुछ भी डेटा पास नहीं किया है, हम दूसरे क्लास से डेटा को मंगा रहे हैं यहाँ पर यूज़र को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ये हमारा मेन क्लास का है, आप देखोगे ध्यान से देखो तो ये हमारा मेन क्लास है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा ये है लैंग्वेज, लेकिन ये हमारा मेन क्लास है। तो मेन क्लास का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद एक्सेस मेथड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास, दिस इज मेन क्लास। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम डिस्प्ले कराएंगे, जो डिस्प्ले हमारा जो है ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है। उस मेथड को क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज करके क्या करेंगे कि हमें डेटा को लाना है वहां पर, जो भी हमने डेटा पास किया था उस डेटा को लाना है। तो सिंपल है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट और जो भी आपका मेथड का नेम है, आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड का नेम है, बस उसको रख दो, बस हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सब तो हम बस इन्फॉर्मेशन के लिए लिखे हैं। आपका बेसिक लाइन कितना है, आप देखो आपने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका ये बन गया, उसमें आपने क्या किया, एक डिस्प्ले मेथड बनाया, ठीक है, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले मेथड, जिसमें आपने रख दिया वो जो आपको डेटा लाना है। उसके बाद आपका जो मेन क्लास है, मेन क्लास को आपने एक्सटेंड किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, ताकि वहां से हम डेटा ला सके। उसके बाद आपने क्या किया, एक बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने मेन क्लास का, और उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले आपका कहाँ का मेथड है, लैंग्वेज जो आपने लैंग्वेज क्लास बनाया था एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसका है, और ओबीजे आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। और इस तरह से क्या होगा कि आपका डेटा आ जाएगा, वो भी हम रन करा करके देखेंगे। और इसमें क्या लिखता है वो भी समझ लें कि वी हैव क्रिएटेड द मेन क्लास, दिस इज मेन क्लास। ओके, आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, मेन क्लास दैट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, एंड नोटिस इज मेन ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, हियर ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द, हियर ऑब्जेक्ट ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट। ओके, वी आर कॉलिंग द मेथड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल कर रहे हैं इसको यूज करके, ये जो हमारा ओबीजे डॉट डिस्प्ले है, इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल कर पा रहे हैं। अब अगर हम रन करा के देखें इसको तो क्या मिलता है हमें, तो देखो दिस इज जावा प्रोग्रामिंग, और दिस इज जावा प्रोग्रामिंग किससे आया आपका, ये आपका आया इस क्लास से, लैंग्वेज क्लास से आया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारा बेसिकली। और इससे हम क्या किए, डेटा को एब्स्ट्रैक्ट किए, वहाँ से हम डेटा को लेकर आए और यूजर से क्या किए, एसेंशियल डेटा को हाइड कर दिए, बस हम उसे फंक्शन दिखा दिए कि भाई आप इस तरह से अगर लिखोगे तो आपको क्या होगा, आपको प्रिंट होकर के मिल जाएगा जो आपको डिटेल्स चाहिए होगा। तो बस यही है आज के टॉपिक में, और फिल्म मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।